दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैकटेक लर्निंग मैकेनिकल टेक्निकल लर्निंग में। वीडियो थोड़ा सा अलग है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मसाले से भरा हुआ है, तो वीडियो को जरूर देखें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वो लाल वाली बटन है उसके साथ दबाओ और खेलो उसके साथ, खेल करके लाल को काला करो, तब वीडियो देखने में मजा आएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों जो रेलवे होती है वो हमें फ्री में इतना इंटरनेट कैसे दे देती है, कैसे हम किसी भी स्टेशन पर बैठ करके इजीली हम 2GB 3GB यूज कर लेते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और हम इस वीडियो करते हैं चालू। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जो मेरा YouTube वीडियो देख रहे हैं वो किसके थ्रू देख रहे हैं, शायद आप में से 70-80% लोग बताएंगे कि भाई सैटेलाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। लेकिन ये दोस्तों सही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो पूरे देश की जो 99% जो डाटा होता है, जो इंटरनेट होता है, वो एक केबल के थ्रू चलता है। जो केबल होता है वो दोस्तों समुद्र में बिछा करके रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं सबमरीन केबल। वो जो दोस्तों केबल होता है उसको बिछाने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हम टायर वन कंपनी कहती है, वो उसको बिछाने का काम करती है। दोस्तों ये केबल को बिछा करके और देश को पूरे एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। दोस्तों ये जो केबल होता है ये किसी भी देश के किसी मेजर सिटी तक ले जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सोचा गया कि भाई आम पब्लिक को इसका फायदा कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए आती है टायर टू कंपनी। टायर टू कंपनी अगर बोले तो जैसे एग्जांपल के लिए BSNL हो गया, जियो हो गया, ये जितने भी कंपनी हैं ये सब अपना पूरे भारत में अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछा करके रखा है। और ये जो उसका खुद का जो केबल है वो ले जा करके और ये सबमरीन केबल से उसको जोड़ दिया गया है और पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ कि आपके पास कोई दो कंप्यूटर है, अगर दोनों से एक दूसरे से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाए तो हमें इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये फ्री में डाटा को जब ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक्सेस किया जाता है, तो फिर ये इतना इंटरनेट कंपनी है जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, आइडिया हो गया, तो ये सब हमें इतना पैसा क्यों लेती है? तो दोस्तों इसके लिए टायर वन कंपनी को पैसा देना होता है, जिसे कि टायर टू कंपनी जो होती है वो हमसे पैसा लेकर के और अपने पास कुछ रह करके बाकी पैसा उसको दे देते हैं। दोस्तों अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन पे, तो ये सारे बातें सुन करके आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहे होंगे। दोस्तों क्या हुआ कि पहले जो रेलवे हुआ करती थी वो पूरे तरह से BSNL पे डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन सितंबर 2000 में देखा गया कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स को वो अपना फास्ट करना चाहती थी और अपना एफिशिएंसी को और बढ़ाना चाहती थी, तो इसके लिए उसने अपना खुद का कंपनी बिठाया जिसको हम रेलटेल PSU के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है ये पूरे अपना खुद का केबल यानी ऑप्टिकल फाइबर पूरे इंडिया में बिछा करके रखा है, हर एक इंडिया के हर एक कोने कोने तक ये बिछा करके रखा है और ये जो केबल है वो ले जा करके सबमरीन केबल से कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो दोस्तों अब ये रेलवे के पास ये पूरा फ्री में अब ये इंटरनेट आने लगा, ठीक है। अब फिर ये रेलवे सोचा है कि भाई अब ये जो इंटरनेट है ये आम पब्लिक तक कैसा दिया जाए। अब इसके लिए इन्होंने गूगल को टाइप किया, गूगल से बोला कि एक काम करो तुम कुछ ऐसा डिवाइस बना दो ताकि जो भी स्टेशन पे यात्री आते हैं उनको बोरिंग महसूस ना हो और वो फ्री में इंटरनेट वाईफाई यूज कर सके। तो दोस्तों गूगल ने एक हॉटस्पॉट के फॉर्म में एक सिक्योर हॉटस्पॉट बना करके उन्हें दे दिया, जिसका फायदा पूरे पब्लिक उठाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे जो है वो गूगल को ही क्यों चुना, तो मैं आपके इसके लिए मैं बता दूं कि जो गूगल होता है वो पूरे दुनिया में अपना एडसेंस चलाता है और जब भी आप वाईफाई ऑन करके कुछ स्टेशन पे बैठ के कुछ देख रहे होते हैं और जो ऐड आते हैं उस पर वो ऐड का पैसा जाता है गूगल के पास, और गूगल क्या करता है कि कुछ अपने पास रखता है और कुछ देता है रेलवे के पास, और रेलवे भी कुछ पैसा सेव करता है और कुछ पैसा देता है फिर वो टायर वन कंपनी के पास। दोस्तों ये जो होता है पूरे इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करवाएँ और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलता हूँ आपके फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। It's caught in the crossfire.